ये मेरे पास जियो F220 फ़ोन आया है जिसमें डिस्प्ले वाइट आ रही है। किसी दुकानदार ने मेरे पास भेजा है, उसने फ़िलहाल 3-4 डिस्प्ले लगा के देखी लेकिन उसमें जो है वाइट आ रही थी, तो उसने हमारे पास भेजा है। मैंने सेट ऑन करके इसकी डिस्प्ले की सारी पिनें चेक करी, जो 16 पिन की डिस्प्ले हैं, ये वैल्यू सब पे सही आ रही थी। ये देखिए वैल्यू सब पे एकदम सही आ रही है, कोई मतलब ट्रैक जो है मिस नहीं थे। फिर मैंने इसमें पीछे जब देखा तो ये सेट हमें लगा वाटर डैमेज। ये देखिए ये आईसी के पास जो है वाटर है, इसमें है, और ये कंपोनेंट के पास में है, और ये कंपोनेंट के पास में है। ये सारे बैटरी के प्लस पॉइंट से मिल रहे हैं, जो कंपोनेंट में पानी गया है और गले हैं। तो अभी इसको जो है हम सर्विस करके देखते हैं, आईपी से क्लीन करके फिर सर्विस करते हैं, जहाँ जहाँ पानी है हटा के देखते हैं, हमारी डिस्प्ले जो है आती है या नहीं आती है। मदरबोर्ड को क्लीन करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कंपोनेंट जो ज़्यादा गले हों उसमें चेक कर लें कि जो है शॉर्टिंग तो नहीं है, अगर शॉर्टिंग है तो उसे हटा दें, या ज़्यादा गले हैं और एक तरफ का ग्राउंड है तो भी आप उसे हटा सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उसमें। लेकिन कंपोनेंट हटाना इसलिए ज़रूरी है ताकि सेट अगर सही हो जाए तो उसके बाद उसमें शॉर्टिंग ना हो। शॉर्टिंग होने से, कभी कभी शॉर्टिंग होने से बैटरी जो है कम चलती है या कुछ दिनों बाद बैटरी को फुला देता है सेट, इसलिए ये चीज़ का खास ध्यान रखें। ये मदरबोर्ड में जहाँ जहाँ हमें पानी लगा वहाँ वहाँ हमने क्लीन कर लिया है। डिस्प्ले लगाते समय आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी पिन आपस में टच ना हो। अगर आप नए हैं तो ये समस्या होती, पुराने में तो समस्या नहीं होती है, पुराना बंदा आसानी से जो है चेक कर लेगा कि पिन शॉर्ट आपस में टच हो रही है या नहीं। नए लोगों के साथ समस्या होती है, मेरे साथ भी हुई थी शुरू में। सारी पिनों को अच्छे से सोल्ड कर लेंगे ताकि कोई जो है छूटे ना। तो सारी पिनों को हमने सोल्ड कर लिया है, अब देखते हैं डिस्प्ले आती है या नहीं। तो ये देखिए हमारी डिस्प्ले आ चुकी है। ये जो इसमें डिस्प्ले वाइट आ रही थी ये वाटर डैमेज की वजह से आ रही थी, कुछ शॉर्ट कर रहा होगा, वो फिलहाल हमने जो है क्लीन कर लिया था तो सही हो चुकी है। दोबारा ऑन करके देखते हैं। ये तार टच हो गया था आपस में सप्लाई का, ये देखिए डिस्प्ले आ चुकी है। अब ये पीछे हम मदरबोर्ड आपको दिखा दे रहे हैं कि ये मदरबोर्ड वही है जिसमें डिस्प्ले वाइट आ रही थी।